हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं कुछ ज़्यादा बिजी था तो और कोई अपडेट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो फाइनली जो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर अमित कुमार सर ने फाइनली कल एक ऑफिशियली एक अपडेट आके दिया, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 67th बीपीएससी का ऑफिशियल प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट और सीट्स के बारे में बताऊंगा। साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं CDPO और 67th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारा आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट्स को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन में कितनी पोस्टों की संख्या बढ़ सकती है और एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन क्यों हो रहा है और इसका क्या रीज़न है। तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो बेसिकली पोस्टपोन्ड होने का मेन रीज़न ये बन रहा है। और फाइनली जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंट्रोलर, उन्होंने भी ये इस बात की पुष्टि कर दी है और बहुत सारे अपडेट्स बताए। तो उसके आधार पे प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो कहा ये जा रहा है कि 19 दिसंबर, लेकिन 19 दिसंबर पे संशय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव 15 दिसंबर तक फाइनली ख़त्म हो जा रहा है और विद इन 3 डेज में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना और सिक्योरिटी, सब ये सब बहुत बड़ा इश्यू होता है। और बिहार के 35 जिलों में प्रीलिम्स को एग्ज़ाम कराया जाता है। छोटे जो जिले जैसे अरवल, शेखपुरा, ये सब छोड़ दिया है। तो बड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, 38 में से 35 जिलों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होता है बीपीएससी प्रीलिम्स को कराना। तो जो एग्ज़ाम का डेट है 19 दिसंबर को, तो बहुत कम ही चांस हो रहा है क्योंकि 3 दिन समय मिल रहा है। बचा 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर को मतलब कि 95-99%, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बार बार बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से बताया कि 26 दिसंबर को वो पेपर में कहा जा रहा है, लेकिन उसी को मान के सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि 26 दिसंबर को मे भी एग्ज़ाम ना हो पाए, क्योंकि बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है उस दिन। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाएगा bpssc.bis.nic.in पे। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का, तो 19 और 26 दिसंबर को नहीं होगा तो नेक्स्ट क्या, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है 2022 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बीपीएससी 67th का, ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ तक सीटों की बात कर लें तो सीटों की बात लगभग 800 से ज़्यादा सीटों की संख्या हो सकती है। कब तक? जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम ना हो जाए। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद भी सीटों की संख्या बढ़ती है, वो तब तक बढ़ती है जब तक कि प्रीलिम्स का फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो ये आप लोग आश्वस्त रहिए, पोस्टों की संख्या बढ़ के 800 से ज़्यादा हो सकती है या 800, लेकिन इतना तय है कि 800 के आसपास पोस्ट जाएगी, ठीक है। 900 कह रहे हैं, 900 बहुत कम संभावना है, 800 तक जाने की चांसेस हैं। अभी तो फिलहाल 723 पोस्ट की पुष्टि बीपीएससी ऑफिशियली अपने वेबसाइट के माध्यम से कर चुका, ऑफिशियल वेबसाइट से। अब बात कर लेते हैं 66th बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेके। तो जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिजल्ट सुनने में आ रहा था कि फरवरी मास, लेकिन नहीं, आपको जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में कुछ देखने को रिजल्ट मिल जाएगा। और जुडिशियरी का भी जो रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको इसी साल देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जनवरी सॉरी 2021 दिसंबर में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। जहाँ तक रहा CDPO प्रीलिम्स की बात, तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक में होने की
पूरी संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारा आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन अपकमिंग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, CDPO एंड बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम। थैंक यू।